नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं हूं आपके साथ रोशनी सिंह। शार्क टैंक इंडिया का दूसरा सीजन दर्शकों का दिल जीतता दिख रहा है। बिजनेस बेस्ड रियलिटी शो से हर दिन एक नई कहानी सामने आ रही है। इन दिनों सोशल मीडिया पर शार्क टैंक इंडिया में आए एंटरप्रेन्योर गणेश बालाकृष्ण की भी काफ़ी चर्चा हो रही है। गणेश बालाकृष्णन की कहानी ना सिर्फ शो के जजेस बल्कि दर्शकों को भी इमोशनल कर गई। पर कमाल देखिए, शार्क टैंक इंडिया में आने के बाद बालाकृष्ण की किस्मत चमक सी गई। 48 घंटे में वो हो गया जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। शार्क टैंक इंडिया में गणेश बालाकृष्ण की जजेस से इन्वेस्ट भले ही नहीं मिल पाया, पर हर किसी ने उन्हें सोशल मीडिया पर खूब सपोर्ट किया। आईआईटी और आईआईएम स्टूडेंट रह चुके बालाकृष्णन ने शार्क टैंक इंडिया में अपनी कहानी से हर किसी को इमोशनल कर दिया। बालाकृष्णन ने बताया कि उनका बिजनेस बंद होने की कगार पर है। शार्क टैंक इंडिया में अपने बिजनेस पर बात करते हुए बालाकृष्णन ने बताया कि उन्होंने 2019 में फ्लैट हेड शूज नाम की कंपनी खोली थी। उनका काम अच्छा चल सकता था, लेकिन कोविड-19 ने उन्हें तबाह कर दिया। बालाकृष्णन ने यह भी बताया कि उन्होंने बिजनेस को बचाने के लिए 2 महीने में 35 लाख रुपए लगा दिए। शार्क टैंक इंडिया में वो अपने बिजनेस के लिए फंडिंग लेने आए थे, पर वहां आकर उनका सपना पूरा ना हो सका। बालाकृष्णन की कहानी ने ना सिर्फ जजेस बल्कि आम लोगों को भी इमोशनल कर दिया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि 48 घंटे के अंदर ही बालाकृष्ण को इतने ऑर्डर मिले कि उनकी सारी इन्वेंट्री बिक गई। बालाकृष्ण ने लिंक्डइन पर ये गुड न्यूज़ शेयर की। बालाकृष्ण ने बताया कि उनकी सारी इन्वेंट्री बिक चुकी है। यही कारण है कि उनकी साइट पर लोगों को अपनी नाप के शूज नहीं मिल रहे हैं। शार्क टैंक इंडिया में अनुपम मित्तल ने गणेश बालाकृष्ण को जॉब ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्हें पीयूष बंसल और विनीता सिंह ने 33.3% इक्विटी के लिए 75 लाख रुपए की फंडिंग भी ऑफर की थी, पर वो तैयार नहीं हुए। वहीं अब उनकी कंपनी कामयाबी की नई उड़ान भरने लगी है। उम्मीद है कि बालाकृष्णन यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी कहानी से लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।